जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो सवाल है वो सवाल है व्हाट आफ्टर 12th। ट्वेल्थ के बाद किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना तो रियलाइजेशन हो गया होगा कि हमने 10th के बाद जो सब्जेक्ट चुने थे 11th 12th में वो कितने सही थे हमारे लिए। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने चुन लिए हैं अब उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने आगे का करियर को प्लान करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है जब आप अपने करियर को चुनेंगे। अब आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपने अभी भी ये डिसाइड नहीं किया तो आप लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो 2-4 दिन का आप टाइम लीजिए, आप खुद अपने आप से पूछिए कि किस तरीके का लाइफस्टाइल आपको चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली अब आपको अपने करियर को परस्यू करना है। ठीक है, तो अगेन देर आर 4 बेसिक स्टेप्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो ये है। सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके का लाइफस्टाइल आपको चाहिए। और अब जैसे आप अपने लाइफस्टाइल को डिसाइड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली अब आपको ग्रेजुएशन में किस तरीके के सब्जेक्ट्स लेने हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, और अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है या फौज में जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप टॉप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप IT फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो अब ये आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपने डिसाइड कर दिया कि आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए तो आप अपने ड्रीम जॉब को भी डिसाइड करेंगे। द सेकेंड स्टेप इज ड्रीम जॉब। आपने अपना ड्रीम जॉब डिसाइड करा, ड्रीम जॉब डिसाइड करने के बाद आप उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या होगी, किन सब्जेक्ट्स से आपको ग्रेजुएशन करना है। और वो जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली उसके बाद आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज लाइफस्टाइल, सेकंड इज ड्रीम जॉब, थर्ड इज सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में जो आपको लेने हैं, और फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, 4 चीज़ों के साथ हम लोग करेंगे। और देखिए, अगर आपका सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का या फोर्सेस में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, या कोई भी जो आपका ड्रीम है, ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम। ये ही सही समय है जब आप डिसाइड कर सकते हैं और अभी आपको करना भी चाहिए। और जो ग्रेजुएशन में आप 3 से 4 साल अपना देने वाले हैं उसमें आप अपने करियर को देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमने 11th 12th में जो हम लोगों ने गलतियां करी हैं उनको हम फिर से रिपीट करेंगे, नहीं। अब जो टाइम है, जो ट्रेनिंग है आपकी, आज से ही शुरू होती है। करियर ऑप्शन आप अपने लिए चुनेंगे उसकी तैयारी आप आज से ही करेंगे, ग्रेजुएशन के पहले दिन से ही आप करेंगे। ठीक है, तो द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम इज ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में ही आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपने 3 से 4 साल जो ग्रेजुएशन के हैं वो अच्छे से मेहनत में दे दिए तो पूरे जिंदगी भर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। धन्यवाद दोस्तों।